here for so long under the. Hi guys, what's up? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So, आज हम बनाने वाले हैं vlog because मैं जा रही हूँ एक weekend trip पे. हम लोग जा रहे हैं वृंदावन और मथुरा और मैं इतना ज़्यादा excited हूँ because it's been a year कि मैं एक साल हो गया literally मुझे मैं कब से wait कर रही हूँ. मैं last 2021 में गई थी 25th August को वृंदावन और तब से मेरा इतना ज़्यादा गंदा वाला मन था ना मुझे वृंदावन जाना है जाना है जाना है और फाइनली आज मैं जा रही हूँ. मैं और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं हम लोग वृंदावन मथुरा. हमारा दो दिन का ट्रिप है पर मोस्ट प्रोबेबली मेरा संडे का अगर हमारा बनता है कुछ मतलब जगह रह जाती है तो हम संडे को भी वहीं रहेंगे. सो आई एम सो सो मच एक्साइटेड. आई कॉन्ट वेट टू शो यू गाइज. मतलब मैं बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाने वाली हूँ. मैं आपको एक एक जगह दिखाऊंगी कहाँ हम स्टे करने वाले हैं क्या क्या हमारा कॉस्ट लगा. हम लोग बाई कार जा रहे हैं और मैं जयपुर रहती हूँ तो हम लोग जयपुर टू अभी जा रहे हैं मथुरा बाई कार ओनली. एंड लेट मी शो यू क्विकली माई OOTD. सो आई एम वियरिंग दिस कुर्ती सेट एंड दिस कुर्ती सेट इज फ्रॉम माई ओन ब्रांड दैट इज क्लासिक कर्व्स ओनली. सो या आई विल कीप अपडेटिंग यू. व्लॉग में डालूंगी आपको. ये मम्मी हमें छोड़ने आई और ये मेरे पापा हमारी गाड़ी साफ करवाते हुए. पापा नहीं चल रहे. बाय बाय. ये रहा छोटा भाई मेरा जो कि चलने वाला है मेरे साथ ट्रिप में और ये अंकल जो हमको सेफली बचाए. हेलो गाइस, सो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं गोकुल में. हम लोग जयपुर टू पहले पहुंचे थे मथुरा में जन्मभूमि में बट वो भी क्लोज था तो 4:30 बजे कुछ करीब खुलेगा और अभी 3:30 बज रहे तो हम लोग यहाँ गोकुल में आ गए. जाते गोकुल में रमन बेटी जहाँ पे कृष्ण भगवान खेले थे. सो यहाँ पे सभी उस रेत में ऐसा लेट कर इतना एंजॉय कर रहे हैं ना कि फील हो रही है कृष्ण भगवान ने सच में मतलब वो प्रेजेंस फील हो रही है उनकी. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैं और क्लिप्स डाल दूँगी कि लोग यहाँ पे कैसे किस तरह से सब लोग यहाँ पे लेट कर रेत पे खेलते हैं. कैसा लग रहा है रमन रेती में आके जहाँ कृष्ण भगवान खेले हैं लिटरली हम वहाँ खड़े हैं और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी ट्रिप के लिए. हम लोग आगे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और नेक्स्ट अब हम शायद जन्मभूमि ही जाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम हो चुका है. ये है रमन रेती के जस्ट सामने. दिस इज रमन रेती. अभी हमारा रमन रेती हो चुका है. अब हम रमन रेती से जा रहे हैं नंदगांव. नंदगांव डेट इज
कृष्ण भगवान के पापा नंद बाबा का घर है वहाँ पे, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ से नंद भवन, नंद भवन जो कि है कितना दूर, 1 किलोमीटर बता रहे ना अंकल, जो कि रमन रेती से केवल 1 किलोमीटर दूर है। सो आप यहाँ पे कुछ ऑटो या कुछ भी रिक्शा भी कर सकते हैं, खूब सारे मिल जाएंगे आपको, बट हम बाय कार आया तो हमारे पास कार है तो हम कार से ही जा रहे हैं। अच्छे से घूमना चाहते हो, और जन्मभूमि में हमने एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ जेल टाइप कुछ बना हुआ होगा जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हमने टिकट्स ली जो कि 10 रुपीज़ पर पर्सन थी, और एंट्री होती है वहाँ पे केवल गुफा के अंदर झांकी थी, और जेल टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ था। तो आपकी नया मंदिर बना है वहाँ पे राधा कृष्ण का जन्मभूमि के जस्ट सामने, जो कि काफ़ी बड़ा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। अंदर वहाँ पे भी खूब सारी झांकियाँ थी, जहाँ पे भी कुछ कुछ मंदिरों में टिकट्स थी, तो वहाँ पे हमें अराउंड बना लग गया। जन्मभूमि में वहाँ पे हमने सारे फोन्स वगैरह डिपॉजिट करा दिए थे, तो हम लोग कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाए। और अभी हम जन्मभूमि से आ रहे हैं द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश आने के लिए पहले आपको ई रिक्शा करना पड़ेगा। हमसे ई रिक्शा वाले ने कुछ भी चार्ज नहीं किया, उसने हमें फ्री में छोड़ दिया। फिर यहाँ पर बैरीगेट्स है जहाँ पर ई रिक्शा अलाउड नहीं है, तो बैरीगेट्स के बाद हमने लिया ये नॉर्मल वाला रिक्शा जिन्होंने हमसे लिए 40 रुपीज़। तो अभी हम पहुँच गए द्वारकाधीश, जन्मभूमि टू द्वारकाधीश 3 किलोमीटर। द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं रात के 8:30 बजे तक ओनली, तो वहाँ पे आसपास घाट भी है, तो हमारा यही प्लान है घाट में हम लोग अभी यमुना आरती वगैरह देखेंगे। और द्वारकाधीश से ही सारे घाट स्टार्ट होते हैं, जैसे यमुना घाट, यमुना की जो नदी है उसमें जितने भी छोटे छोटे घाट बने हुए, जैसे कि विश्राम घाट हो गया, केसी घाट हो गया, बंगाली घाट हो गया, तो ये सारे लाइन से जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि 7:30 बजे तक होगी आरती स्टार्ट,